Hi, today is 21st of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. First is about this Amphan batters West Bengal and Odisha. इस साइक्लोन के बारे में समझेंगे. ये ongoing आर्टिकल है. इसके पहले क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि ये अम्फन कैसे जनरेट होता है, इसकी कैटेगरी क्या है, साइक्लोन क्यों जनरेट होते हैं ओडिशा में एंड बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, देन इसकी कंडीशंस क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस की. टुडे विल टॉक अबाउट कि इसने क्या डैमेज किया है यहाँ पे. देन हम यहाँ पे NDMA की गाइडलाइंस भी देखेंगे एंड विल ट्राई टू लुक एट वन क्वेश्चन इज वेल. देन सेकेंड इज डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑन May 25th. विल अगेन हैव अ लुक कि किस तरीके से ग्रेजुअली इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, लॉकडाउन ओवर हो रहा है. थर्ड इज अबाउट नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल मैप अनएक्सेप्टेबल. ये इंडिया ने अपने कंसर्न्स अभी रेज किए हैं. हम इसमें देखेंगे ये काला पानी रीजन क्या है, 1816 की सागोली ट्रीटी क्या थी, महाकाली रिवर में क्यों डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और ये क्या नया जो मैप में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है वो एरिया इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है एंड द वे फॉरवर्ड. देन हम बात करेंगे चाइना अक्यूजेज इंडिया ऑफ दिस ट्रेसपास, इंडिया चाइना बॉर्डर LSE. देन फिफ्थ इज अबाउट लॉक्यूस्ट क्रॉस द डेजर्ट टू इन्वेड इन राजस्थान. येस्टरडे वी टॉक अबाउट साउथ में हो रहा है यहाँ पे लॉक्यूस्ट अटैक ग्रास ओपर्स, नाउ अब थार डेजर्ट राजस्थान में भी नया इन्वेजन हो रहा है. देन सिक्स्थ इज अबाउट प्रिजर्व लेक्स, दिस इज अबाउट लेक्स इन कर्नाटका. विल गेट टू नो कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स क्या होती है, ये सारी डिफरेंट लेक्स क्या है और कर्नाटका में ये कुछ लेक्स हैं जो अभी पॉल्यूशन यूजुअली हाई होता था बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यहाँ पे कम है. विल गेट टू नो इट इन डिटेल. देन सेवेंथ इज अबाउट वर्किंग सेफली. एम्प्लॉयर्स सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वर्क ज़रूरी है बट हेल्थ भी ज़रूरी है. इंटरमिटेंट लॉकडाउन और पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे. एट्थ इज अबाउट अ होल इन द होल, दैट इज़ अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर सर्विसेज में अभी क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. देन नाइन्थ इज़ अबाउट चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड. ये बहुत अच्छी सीरीज़ है. यस्टरडे और बिफोर दैट हमने देखा चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, कैसे चाइना का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है. डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब ज़्यादा परजुएजन कैसे आ रहा है वहाँ पे, जी जिनपिंग, डेंग का डॉक्ट्राइन, देन माओ जेडोंग का, झोंग एनलाई, ये सारे हमने देखे थे. अब हम आगे देखेंगे कि इसमें पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड में क्या चेंजेस हैं. MK नारायण साहब ने लिखा है वंडरफुल आर्टिकल. देन नेक्स्ट इज ग्रैस्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल. ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है. डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP 2020 से अभी क्या चैलेंजेस हैं एंड एक्सेप्टेड हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं. हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एंड इकोनॉमी हेल्थ, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. देन ये थॉमस पिकेटी का इंटरव्यू है, ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट. इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं. अब इनके इंसाइट्स हम जानेंगे पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म क्या है और वे फॉरवर्ड कैसे होगा. देन वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, ग्लोबल पब्लिक वर्ल्ड, बॉर्डर डिस्प्यूट्स अ रिमाइंडर ऑफ द थ्रेट पोस्ड बाय चाइना. हम ओस्लो अकॉर्ड को जानेंगे, ओस्लो 1 ओस्लो 2, और ये ट्रंप का पीस प्लान वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का क्या था, इसराइल एंड पैलेस्टाइन. देन दिस इज़ बिजनेस. बिजनेस में हम ये बात करेंगे 3 लाख करोड़ का फंडिंग फॉर MSME, बट इसमें कुछ इशूज़ हैं. जैसे बैंक्स हैं वो बोल रहे हैं रिस्क अवर्स प्रॉब्लम है अभी भी बिकॉज गवर्नमेंट डायरेक्ट गारंटी नहीं है इसमें. विल गेट टू नो कि ये क्या है. देन NBFC लिक्विडिटी प्लान ओकेड. देन दिस अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे होती है, क्या इसकी कंडीशंस हैं और क्या इसमें हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. सो लेट अस स्टार्ट. उससे पहले आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं बैटर्स. बैटर्स मतलब जैसे ये अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल. स्ट्राइक रिपीटेडली बहुत स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे. देन ट्रेजेक्टरी का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सो दिस इज़ द ट्रेजेक्टरी. ट्रेसपास मतलब आप इन्वेड कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो. एयरफोर्स स्टेशन में लिखा होता है ना, ट्रेसपासर्स वुड बी शॉट, सर्वाइवर्स वुड बी शॉट अगेन, सो दिस इज ट्रेसपास. देन कल्प्रिट का मतलब होता है ऑफेंडर है, रॉन्ग डूअर है, जिसने गलती की है. डीफनिंग, कल बेंगलोर में ये फाइटर प्लेन मैक्स स्पीड से मूव हुआ था तो वहाँ पे डीफनिंग साउंड आया था, ईयर शैटरिंग नॉइज़ हुआ था. दिस इज़ ट्रेल. ट्रेल मतलब साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड. आप पीछे जो साइंस छोड़ते हुए जा रहे हो, आगे मूव करते हुए, सो दिस इज़ योर
ट्रेल. देन स्टॉप गैप. स्टॉप गैप सॉल्यूशन मतलब होता है मेक शिफ्ट सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है वो. नज, इकोनॉमी सर्वे में हमने नज वर्ड काफ़ी यूज़ किया है. नज मतलब होता है पोक करना, पुश करना, एनकरेज करना. देन दिस इज बटरेस. बटरेस का मतलब है अ सोर्स ऑफ डिफेंस है, सपोर्ट है. देन इक्वीपॉइज मीन्स इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना हुआ है. हैरोइंग, हैरोइंग मतलब होता है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग है वो. ट्रजिंग, ट्रजिंग मतलब बहुत धीमे, वॉक स्लो, अनकंफर्टेबली बिकॉज ऑफ दिस एग्जॉशन. देन मोजाइक, जैसे इंडिया मोजाइक है, सेवरल पीसेस टुगेदर, बहुत सारी वेराइटी डाइवर्सिटी है इंडिया में, कल्चर, रिलीजन, इथनिक, रेस एट्सेट्रा, बट टुगेदर वी फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर, सो दिस इज अ मोजाइक. देन रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैकडेटेड, एक्स पोस्ट फैक्टो. एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 20, उसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन दिस आर्टिकल 20, लर्न व्हाट दिस आर्टिकल 20 क्या बोलता है. नो, आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो. देन दिस इज 21st of May 2020, इंग्लिश एंड हिंदी, दिल्ली, क्विक ब्रीफ. लेट अस हैव अ लुक. फर्स्ट, अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. येस्टरडे वी टॉक अबाउट, ये साइक्लोन थोड़ा वीक हो रहा है, लैंडफॉल लाइकली था कल आफ्टरनून में, दीघा इन वेस्ट बंगाल और हतिया आइलैंड इन बांग्लादेश के बीच में हुआ है. ये कैटेगरीज होती है साइक्लोन की, और ये साइक्लोन्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, और ये साइक्लोन अम्फन ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस के ये छः रीजन्स हैं, छः प्री कंडीशंस हैं जो ओशन में होनी चाहिए, तब जाके वो फेवरेबल कंडीशन बनती है साइक्लोन फॉर्मेशन का. वी हैव टॉक्ड दिस इन डिटेल, हैव अ लुक. नाउ टुडे विल सी कि ये जो लैंडफॉल हुआ है, ये हुआ है नियर सागर आइलैंड. ये सागर आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैपिंग में पूछा गया है ये सागर आइलैंड. ये गंगा का डेल्टा है, लाइंग ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इन बे ऑफ बंगाल. नाउ इस बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है. सी, दिस वॉज द कोर्स. ये कोर्स था, ये मई में 19, कल पेपर में हमने देखा साइक्लोन यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये अभी यहाँ पे कहीं इसने लैंडफॉल किया है. लैंडफॉल का मतलब समुद्र से वो ज़मीन पे आ गया है. विंड स्पीड इतनी थी, रेनफॉल हुआ है. फोरकास्ट असम May 22 में आएगा विद अ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी. लैंडफॉल जैसे ही होता है ना, साइक्लोन वीक होने लग जाता है और वो फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सो दिस इज अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल उड़ीसा. मीनवाइल दिस इज NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ये ऐसे गाइडलाइंस देती है, डूज एंड डोंट, जैसे बिफोर साइक्लोन इग्नोर रूमर, रूमर्स हमेशा इग्नोर करने चाहिए, स्टे काम, डोंट पैनिक, मोबाइल फोन्स, रेडियो, ऑफिशियल न्यूज़ सुने, इमरजेंसी किट, सिक्योर योर हाउस, अनटाई कैटल एनिमल. और ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन दिस गैस सप्लाई, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बिकॉज पोस्ट साइक्लोन डिसीजेज भी होती है. आउटडोर में डैमेज बिल्डिंग्स में मत जाइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी साइक्लोन ओवर हुआ है. ब्रोकन इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स, अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स से ध्यान रखिए. सीक अ सेफ शेल्टर एज सून एज पॉसिबल. मैनी अ टाइम आपसे पूछा जाता है कि कुछ गाइडलाइंस लिखो आंसर राइटिंग में, एनुअल में, तो ये जैसे NDMA है या गवर्नमेंट ने जो ऐसे इन्फोग्राफिक्स देते हैं, ये बहुत यूज़फुल होते हैं. इसमें बहुत रेडीमेड पॉइंट्स आते हैं और वो बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं. जैसे यमुना का हमने जब पढ़ा था रिवर पॉल्यूशन का, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट दिए थे अ कपल ऑफ मंथ बैक कि यमुना का पॉल्यूशन कैसे हम कम कर सकते हैं. और वो जो पॉइंट, ऑल दो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट था, बट उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे. तो सिमिलरली ये जो पॉइंट्स हैं साइक्लोन का, जब भी आपको रिलेटेड है, दिस इज़ द टेम्पलेट, यूज़ दीज पॉइंट्स, दे आर वेरी टू द पॉइंट और दे आर गुड पॉइंट्स. ओके, नाउ फिशरमैन का भी एंगल है, रेडियो सेट रखिए, कीप बोट्स नॉट वेंचर आउट इन द सी, बिफोर साइक्लोन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन, इनडोर, इफ आउटडोर, फिशरमैन शुड, दिस शुड बी द अप्रोच, बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड. मीनवाइल यहाँ पे ये ट्वीट भी है, NDRF की, ये पर्सनल है, ये ऑरेंज में ऐसे होते हैं, NDRF पर्सनल है, आर इन एक्शन, साइक्लोन हिट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में, साइक्लोन अम्फन. नाउ कीपिंग दीज टू इन माइंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अवर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ रैपिड क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे एक शॉर्ट नोट लिखने का ट्राई करिए. राइट एवरी डे, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इट डजेंट मैटर, आप अपना आंसर देख रहे हो. राइट एवरी डे विदाउट ब्रेक, डू इट फॉर से 2 वीक, और 2 वीक के बाद अब अपना आज का आंसर देखना, यू वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू. ट्रस्ट द प्रोसेस, डू नॉट ब्रेक द मोमेंटम, राइट एवरी डे. छोटा सा भी लिखना है पर रोज़ लिखना है, इससे बहुत बेनिफिट आएगा. डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ होती है.
Now this is the second one, domestic flights to resume on May 25th. ये अगेन एक ट्वीट किया है यहाँ पे, ट्वीट में लिखा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स May 25th में रिज्यूम होगी. मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कमेंस होगा कैलिब्रेटेड मैनर ऑन 25th of May 2020. एयरपोर्ट्स इन्फॉर्म कर दिया गया है बी रेडी, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर उसको फॉलो करना है. 2 मंथ का अभी करीब बैन हो गया था, अभी कैप है एयरफेयर में फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए. मास्क मैंडेटरी होगा, दिस इज हमने डिस्कस किया था ना, न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया है, मास्क मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है. एयरपोर्ट अभी 1/3 कैपेसिटी में होंगे, एयरलाइन 1/3 फ्लाइट्स होंगी. नो डिसीजन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट येट, इंटरनेशनल फ्लाइट पे अभी कोई डिसीजन नहीं है. सो वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल लाइफ वी हैव टू लिव अलॉन्ग विद COVID-19. नाउ दिस इज नेपाल. नेपाल के साथ अभी रिसेंटली क्या टेंशन हो गए कि हमने लिपू लेक में एक लिंक रोड का यहाँ पे एक प्रोविज़न किया और वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है नेपाल. लिपू लेक से एक रोड बनाया हमने और उससे हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शॉर्टन कर सकते हैं. BRO ने बनाया था और इसका भी रिसेंट इनॉग्रेशन हुआ है. वी टॉक्ड दिस अ कपल ऑफ डेज बैक, नेपाल टू बीफ अप बॉर्डर सिक्योरिटी. सी इफ यू वॉन्ट टू सी प्रीवियस आर्टिकल्स ना, तो आई ऑल्सो शेयर दीज न्यूज़ टैम्पलेट इन टेलीग्राम. तो बाई लुकिंग एट दैट न्यूज़ आइटम यू कैन डायरेक्टली रिफर कि ये किस डेट पर हमने डिस्कस किया था. ओके, देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग, आई विल ऑल्सो स्टार्ट एडिंग टाइम स्टैम्प्स ऑल्सो इन द वीडियो. सो ये जो आर्टिकल है इसमें हमने पढ़ा था ये काला पानी टेरेटरी क्या है. दिस टेरेटरी, ये यहाँ पर है, ये टेरेटरी, ये नेपाल है, ये शारदा रिवर है और ये काला पानी टेरिटरी है. यहाँ ऊपर नंदा देवी नेशनल पार्क है और यहीं पे 1816 की जो सागोली ट्रीटी है वहाँ पे हमारा ये डिसीज़न हुआ था ब्रिटिशर्स और नेपाल में कि ये जो एरिया होगा वो इंडिया को बिलोंग हो जाएगा. ये एरिया हमने डिसाइड किया महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग, रन्स थ्रू कालापानी बाउंड्री. बट ये रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है तो एक्चुअल महाकाली कौन सी रिवर है इस बात पे कन्फ्यूजन होता है और दोनों का अलग अलग क्लेम है, दोनों के डिफरेंट वर्जनस हैं. वेंटेज पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिपू लेक, तो दैट इज़ वाई इंडिया यहाँ पे क्लेम कर रहा है. नेपाल के लिए इमोटिव इशू है, इंडिया और नेपाल के काफ़ी अच्छे रिलेशन है तो दैट इज़ वाई पीसफुल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ये नया नेपाल ने अपना मैप रिलीज़ किया उस पर ऑब्जेक्शन उठाए हैं. नेपाल का न्यू मैप है इसको आर्टिफिशियल और अनएक्सेप्टेबल बताया है. कालापानी, लिम्पिया धूरा और लिपू लेक ये 3 एरिया अभी यहाँ कंटेंशन पे है. नेपाली के डिप्लोमेटिक सोर्सेज मेंटेन करते हैं कि जो रीजन ऑफ कालापानी है, ये जो रीजन है मैप में और उसका कॉन्टिग्यूस एरिया है वो ईस्ट ऑफ द रिवर काली एंड सुस्ता है. ये काली और रिवर सुस्ता है इसके ईस्ट में है. ये उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर आर द ओनली पार्ट्स ऑफ नियरली 1800 किलोमीटर दैट आर रिमेन अनरिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो इस बात पे दोनों में अभी कंटेंशन है. अगेन नेपाल बोल रहा है इंडिया ने एनक्रोचमेंट किया है वहाँ पे. हमने ये जो नया दारचूला लिपू लेक लिंक रोड बनाई, अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ था BRO में, वो पास हो रही है इस डिस्प्यूटेड रीजन में. मानसरोवर की पिलग्रिमेज यात्रा कम हो जाएगा टाइम इससे. तो नेपाल इज सेइंग कि हम विलिंग है आप रोड यूज़ करो बट हम ये आपको लीज पे देंगे विदाउट सरेंडरिंग टेरिटोरी. और इंडिया का पॉइंट है इसमें लीज लेने की बात ही नहीं है, ये एरिया हमारा है. नाउ दिस इज़ अबाउट चाइना अक्यूजेज इंडिया ऑफ ट्रेसपास. यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. अभी फिस्ट कफिंग भी हुआ था यहाँ पे. इंडिया चाइना बॉर्डर LSE है, इसमें एक अक्साई चीन का एरिया कंटेंशियस है और ये मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश में. यहाँ अक्सर बिकॉज डीमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है तो ट्रूप्स आमने सामने आ जाती है. 2005 के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको तुरंत डी एस्केलेट करना है, एस्केलेट नहीं करना है ऐसे जो फेस ऑफ होते हैं. चाइना मीनवाइल इंक्रीजिंगली असर्टिव हो रहा है, इससे टेंशन राइज हो रहे हैं. अभी फिस्ट कफ्स हुए थे पैंगोंग सो और नाकुला में भी, ये भी अगेन ऑनगोइंग चीज़ है. इसमें अभी US ने भी आगे कमेंट दिया है, विल गेट टू नो और विल फॉलो इट अगेन, विल रीविजिट दिस आर्टिकल. देन दिस इज लॉक्यूस्ट क्रॉस थार डेजर्ट टू इन्वेड इन राजस्थान. यस्टरडे वी सॉ दिस ग्रास ओपर अटैक हुआ था. ये लॉक्यूस्ट अटैक होता है, टिड्डे होते हैं ये, ऐसे एक साथ झुंड में बहुत सारे आते हैं और विद इन अ डे आवर्स ये पूरी पूरी क्रॉप का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. स्वॉर्म्स ऑफ ग्रास ओपर आते हैं लॉक्यूस्ट, ये साउथ में आए थे. फिर हमने इसमें यू रॉट वेरी गुड आंसर्स, सस्पेक्टेड क्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण ये सडन स्पर्ट हो गया है इंसेक्ट पॉपुलेशन का. नाउ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि टर्म्स द पेस्ट अटैक एज द बिगेस्ट थ्रेट अमिड लॉकडाउन. दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट अमिड लॉकडाउन.
ड्रोन्स अभी यूज़ होते हैं टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इसमें मेलाथियन स्प्रे किया जाता है ताकि इन इंसेक्ट्स को मार दिया जाए। यूनाइटेड नेशन FAO ने वार्निंग दिया था, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, कि लॉक्यूस्ट वर ब्रीडिंग इन लार्ज नंबर इन सूडान एंड एट्रिया, बट ये तो अफ्रीका में है। तो होता ये है कि इससे पहले जनवरी में भी लॉक्यूस्ट अटैक हुआ था। ये लॉक्यूस्ट के जो स्वॉर्म है ये ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन। तो जनवरी में क्या हुआ था कि ये जो ईस्टर्न अफ्रीका है, दिस सूडान और इथियोपिया वाला एरिया, यहाँ से इन्होंने ट्रैवल किया सऊदी में, सऊदी से ईरान गए, ईरान से पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से ये बॉर्डर राजस्थान और गुजरात किया जाती है। तो ये इधर इनका ऐसे अटैक आ गया इंडियन साइड में, थार डेजर्ट डैमेजिंग द क्रॉप इन वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात। सो दीज अटैक्स आर ऑन राइज, ये जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है दैट इज ऑन राइज। नाउ दिस इज अबाउट द पेज नंबर 4, ये था लॉक्यूस्ट क्रॉस थार डेजर्ट इन वे डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। नाउ दिस इज अबाउट प्रिजर्व लेक इन कर्नाटका। प्रिजर्व लेक्स, लेक्स होती है ना, ये टेम्प्ररी इन नेचर होती है, एरिया फिल्ड विद वाटर होता है दैट लाई ऑन लैंड, और ये पार्ट ऑफ दैट नॉट ऑफ सी नहीं होता है, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी। नाउ टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, ग्लेशियल, फ्लूवियल, सॉल्यूशन, लैंडस्लाइड, एओलियन, शोरलाइन, ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल या मैन मेड, इस टाइप से लेक का जैसे फॉर्मेशन हुआ है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेक फॉर्मेशन कैसे होता है, कहीं पे डिप्रेशन होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे डिप्रेशन हुआ है और वहाँ पे पानी आके भर गया, तो दैट फॉर्म्स अ लेक। अब ये डिप्रेशन किसी के भी कारण हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो गड्ढा हो गया तो टेक्टोनिक लेक हो गई, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई क्रेटर फॉर्मेशन हुआ तो वॉल्केनिक हो गई, ग्लेशियल हो गई मतलब ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हम पढ़ते हैं आगे कि ग्लेशियल्स, ऐसे ग्लेशियर्स पास हो गए और उसके बाद फिर यहाँ पे टार्न एंड एट्सेट्रा ऐसे लेक फॉर्मेशन हो गया, फ्लूवियल हवा से हो गया, सॉल्यूशन लेक है, लैंडस्लाइड्स हो गया, लेक हो गया, एओलियन हो गया, ओके फ्लूवियल इज़ रिवर, एओलियन हो गया, एओलियन इज़ फॉर विंड, देन शोर लाइन हो गया समुद्र के किनारे, ऑर्गेनिक और मैन मेड, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लेक फॉर्मेशन पॉसिबल है। केरला में दिस बेलंदूर एंड वर्थूर लेक सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, BOD बहुत कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम है और अक्सर फिशेस यहाँ पे डाए। दिस वृषा भवती रिवर बॉडी है, ये भी पॉल्यूशन बहुत हाई है, बट अभी लॉकडाउन के कारण इनका पॉल्यूशन कम हुआ है। रीज़न क्या है कि इनका जो पॉल्यूशन हो रहा था वो हो रहा था एफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, ये कम हो गए तो पॉल्यूशन भी अब क्या हो गया, कम हो गया इनका। बट अगेन हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, बट इज़ दिस द सस्टेनेबल वे, नो, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आज नहीं तो कल तो लॉकडाउन ओवर करना ही है, बट दिस पॉल्यूशन वुड अगेन राइज, सो दिस इज़ नॉट द वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रिड्यूस करना है तो वो चेंज्ड बिहेवियर और प्रॉपर प्रिवेंशन के थ्रू ही सस्टेनेबल वे में हो पाएगा। नाउ दिस इज़ अबाउट वर्किंग सेफली, दिस इज़ अबाउट एडिटोरियल, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर्स शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस एंड एनकरेज स्टाफ प्रोटेक्शन, बिकॉज अभी फुल स्ट्रेंथ पे ऑफिसेज ओपन नहीं है और जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि उन एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन है लॉकडाउन के बाद पार्शली हुआ है जब COVID-19 पेंडेमिक पीक नहीं है, सो दिस इज़ द डायलमा, केसेस बढ़ रहे हैं और हमको इकोनॉमी भी खोलनी पड़ रही है बिकॉज इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। COVID-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड कंट्री में, तो इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज आ रहे हैं। कंट्रीज़ जो हैं ये फोकस कर रही है ऑन मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैनुअल्स इशू किए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के। सी यहाँ ये अच्छी लाइन लिखी है कि डिफेंस अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस इज़ अ सेट ऑफ सिंपल मेजर्स, जैसे कि जिस पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की रखिए, मैंडेटरी यूज़ ऑफ फेस मास्क होना चाहिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग होना चाहिए सोप से, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, सिविक एटिकेट, नॉर्मल ऑनलाइन एटिकेट, एवरीथिंग, चैट एटिकेट, ये एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सर्फेसेज होना चाहिए और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ। COVID-19 के बैकड्रॉप में ये सारी छोटी छोटी बातें काफ़ी यूजफुल हो सकती है, बट हमें बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, नज करना पड़ेगा टू अडॉप्ट देम थ्रू। एक परसिस्टेंट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री प्रोविजनिंग ऑफ मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजिंग मटेरियल और ऑर्गेनाइजिंग स्पेस सूटेबली। पुअर वेंटिलेशन जो होता है और क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है वो वायरस को फ्री रन देता है, वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इंटरमिटेंट लॉकडाउन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की है, मतलब अभी हमने लॉकडाउन ओपन कर दिया है, अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हमको फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा इफ़ केसेस माउंट अप। प्रूडेंट अप्रोच ये होनी चाहिए कि वुड बी टू नेविगेट द प्रेजेंट विद अ मिनिमलिस्ट अप्रोच एज द क्वेस्ट फॉर अ मेडिकल ब्रेक थ्रू
मेक्स प्रोग्रेस। मतलब प्रूडेंट मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, वाइज अप्रोच ये है कि हम नेविगेट करें प्रेजेंट में। मिनिमलिस्ट अप्रोच दैट कि मेडिकल ब्रेक थ्रू है, वैक्सीनेशन एंड ऑल, वो जल्दी हो जाए, हम ज़्यादा डैमेज भी नहीं करें, बहुत कॉशियस होके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ अ होप इन द होल। ये बात है हेल्थ केयर सर्विसेज का। हेल्थ केयर सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द पेंडेमिक। सी, एक होती थी नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज और फिर आ गया COVID-19। नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज आज की डेट में सब भूल गए। इस लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ हमें? हमने एक तो टाइम बाय किया, हमने प्रिपरेशन कर ली। वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ एक भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, आज हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो वी बॉट टाइम। सेकेंड, हमने बिल्ड किया कैपेसिटी। सो इसका, इस ओपनिंग लाइन्स आर वेरी गुड। मैथमेटिकली द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पार्ट्स है, ये समेशन कर देंगे तो वो होल हो जाएगा, नीदर मोर नॉर लेस। बट COVID-19 पैंडमिक हैज़ टेकन द पार्ट्स एंड ओवरवेल्म द होल। पार्ट्स ने पूरे से ज़्यादा इसका प्रोग्रेस हो गया है और ये ओवरवेल्म हो गया है। सो द लॉकडाउन है वो सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन केवल टेम्पररी चीज़ था, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज पैरालाइज हो रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर, टर्जरी हेल्थ केयर, हमने सबको डाइवर्ट कर दिया टू बट्रेस दिस COVID-19, इससे डिफेंड करने के लिए। नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, 1 से 2 लाख होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इकोनॉमी सफ़र हो रही है, लॉकडाउन को लिफ्ट करना ज़रूरी था, पार्शली हमने किया। अटैम्प्ट है एन इक्विपोज ऑफ सॉर्ट्स बनाना, बैलेंस करना द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर और बैटल करना विद COVID-19। नाउ यहाँ पे बात किया है, नेशनल हेल्थ मिशन ने पॉइंट किया है कि जैसे नॉर्मल कवरेज होता था, नॉर्मल हेल्थ केयर जो होता था आज की डेट में बिफोर COVID-19, जैसे इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ बेबीज, फर्दर डिले और फेलियर इन डिलीवरिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स हो रहा है इन पर्सन विद HIV, ट्यूबरक्यूलोसिस, हमारा जो नॉर्मल हेल्थ केयर है वो यहाँ पे सफ़र कर रहा है। पॉइंट इज, COVID-19 इज नॉट दी ओनली डिसीज़। COVID-19 से बच भी जाएंगे तो इकोनॉमी प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारी दूसरी डिसीजेज भी हैं। तो मल्टी लेयर्ड हेल्थ सिस्टम शुड नॉट बी सेक्रीफाइज एट द ऑल्टर ऑफ वन वायरस। दिस इज वॉट द पॉइंट इज, वेरी प्रूडेंट एंड वेरी वाइज वर्ड्स। नाउ ये आर्टिकल अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर M.K. नारायण साहब ने, ये एक्स NSA हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं इनके। इससे पहले ऑनगोइंग चाइना सीरीज़ में हमने पढ़ा चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। हमने शुरू से देखा कैसे माओ ज़ेडोंग के टाइम पे चेंज थी, फिर जाओ एन लाई आए, फिर क्या चेंजेस आया, फिर डेंग ज़ियाओपिंग आए, फिर शी जिनपिंग आ गए। तो चाइना का नेचर चेंज होता जा रहा है। इसमें जैसे चाइनीज़ फिलोसोफर्स हैं, ये दो चीज़ रखते हैं, एक रखते हैं मिडिल किंगडम सिंड्रोम, मतलब जो 14वीं से 17वीं शताब्दी का चाइना था वो बहुत ग्लोरियस था, तो वो चाहते हैं कि वापस वैसा रीस्टोर करें, और फिर जब कॉलोनियल पीरियड था वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था, तो इनमें थोड़ा रिवेंज भी एटीट्यूड है। सो देर आर गुड रीजन्स वाई द पैंडमिक इज लाइकली टू एंड बीजिंग्स एम्बिशियस पावर आउटरीच अ पॉइंट इंडिया मस्ट नोट। COVID-19 के बाद जो गेम प्लान बीजिंग ने किया है उससे बीजिंग काफ़ी, चाइना काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, इंडिया को इसमें केयर करने की ज़रूरत है। इसमें जयशंकर साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कुछ दिन पहले ही COVID-19 से पहले ही एक बात कहा था, लेक्चर दिया था कि वॉट डिफाइंस पावर, पावर का क्या मतलब होता है, एंड डिटरमाइन नेशनल स्टैंडिंग इज ऑल्सो नो लॉन्गर द सेम। वॉट डिफाइंस पावर, पावर क्या होता है, डिटरमाइंस नेशनल स्टैंडिंग इज ऑल्सो नो लॉन्गर द सेम। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ट्रेड आर एट द हार्ट ऑफ द न्यू कंटेस्टेशंस। बहुत अच्छा यहाँ पे ये लेक्चर था। इसमें उन्होंने बोला था कि जैसे पावर की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक होता है जैसे मिलिट्री पावर भी हो सकता है, नॉलेज पावर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी पावर भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक पावर भी हो सकता है, हेल्थ इज अगेन अ पावर, देन देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर। ये क्या डिफाइन होगा? विद इन अ वीक ये COVID-19 आता है और वर्ल्ड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, पावर अगेन डेफिनेशन चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, US के पास बहुत पावरफुल शिप्स हैं, बट वो बिकॉज ऑफ COVID-19 क्वारंटाइन हो गए। मशीन्स हैं बट यू आर नॉट फाइंडिंग मैन टू ऑपरेट दोज मशीन्स। सो हेल्थ इज अगेन अ वेरी बिग पावर, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। नाउ COVID-19 ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी है, डीप इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, ह्यूमन लाइव्स अभी COVID-19 से डर रही है। COVID-19 से अगर बच भी गए तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ जाएगी जो COVID-19 के कारण आई है। कल हमने देखा था कि जैसे हमारे यहाँ 3 क्लासेस हैं, एक तो रिच होते हैं, दूसरे होती है मिडिल क्लास, और फिर यहाँ पे पुअर होता है। रिच को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इस COVID-19 की हार्डशिप्स का,
पुअर के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वोकल भी रहती है, इनिशिएटिव्स भी रहती है और हेल्प भी प्रोवाइड होता है। ये जो बीच में मिडिल क्लास रहते हैं ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स कभी हाईलाइट नहीं हो पाती है। सो ऑल फोरकास्ट हैव टू बी श्रेडेड, इकोनॉमिक सर्वे डेटा एवरी थिंग, सब डेटा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। जॉब लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेरोइंग फ्लाइट है माइग्रेंट वर्कर्स का, दिस इज़ एन इशू। स्टिमुलस पैकेज जो दिया था वो ज़्यादा रिफॉर्म बन गया है, स्टिमुलस कम था, रिलीफ कम, रिफॉर्म ज़्यादा था। रियल टर्म अमाउंट में वो 2% ऑफ GDP ही रहा है। तो वैलिड क्रिटिसिज्म ये है कि पैचवर्क ऑफ स्टिमुलस पैकेज रिवील्स अ डिसजॉइंटेड मोजाइक ऑफ आइडियाज एंड थॉट, दिस इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। चाइनाज कैलिब्रेटेड मूव मीनवाइल हम देखें तो चाइना, बिकॉज अर्ली रिकवरी हो रही है, वुहान सिटी ओपन अप हो गया, चाइनीज फैक्ट्रीज आर अगेन स्टार्टेड वर्किंग। 5 years ago शी जिनपिंग ने एक बात कहा था, कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, ये बात कहा था UNGA 2015 में। इसमें उन्होंने बोला था कॉमन डेस्टिनी की बात किया था। चाइना का जो व्यू पॉइंट था उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और IT रिवॉल्यूशन पे, इमर्जिंग डोमेन्स जो आ रहे हैं आगे वाले वर्ल्ड में वो है साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा, चाइना वॉन्ट्स टू मेक अ प्रेजेंस ओवर हियर। सेटिंग द स्टैंडर्ड्स इज वॉट इट वॉन्ट, री राइटिंग इंटरनेशनल रूल स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं करना चाहता अब वो प्रोडक्शन के नियम और स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना चाहता है। इसीलिए एक टर्म है चाइना स्टैंडर्ड्स 2035। इसमें इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वी नो दैट बहुत सारे गैजेट्स हैं वो दिस कंप्यूटर ऑनलाइन नेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये गैजेट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन IT एंड बायोटेक में आप देखो चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस आ रहा है, यहाँ पे लीड बहुत मिल गई है, इसे अर्ली बर्ड एडवांटेज मिलेगा। जो वर्ड चेंज होगा अब उसमें इसको अर्ली बर्ड एडवांटेज मिलेगा, डोमिनेंट पोजिशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को प्लान अच्छे से करना चाहिए, वेल कंसीव्ड केयरफुली कैलिब्रेटेड प्लान होना चाहिए। IMF का मीनवाइल फोरकास्ट है कि इंडिया की GDP 1.8% से ग्रो होगी, चाइना का 1, बट ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंटिटीज एग्जिटिंग इन चाइना मीनवाइल, FDI इंडिया में लाने का चांस है, इंडिया नीड टू बकल अप। सो दीज आर सम थॉट्स। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ ग्रास्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल, ये अगेन हमारा एक वीक पॉइंट है। सेल्फ रिलायंट इंडिया में जो हमने देखा 5 सीरीज का वीडियोज़, उसमें इस पर हमने एम्फेसाइज किया है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सिप्री स्टॉकहोम की जो रिपोर्ट थी ये बताती है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर आर्म्स का है, 9% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट है, ये बहुत बड़ा नंबर है स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जिसके पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उसको कैटर करना है, बट हमारा सारा पैसा लग रहा है इस इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में। एक्सटर्नल डिपेंस जो होता है, डिपेंडेंस है वेपन्स में, स्पेयर्स में, सम केसेस इवन एम्यूनिशंस भी हम ले रहे हैं, इससे हम वल्नरेबल हो जाते हैं। कारगिल क्राइसिस हुआ था, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुआ है COVID-19 ने, सिविल और मिलिट्री दोनों, सो वी नीड अ रॉबस्ट कैपेसिटी। मीनवाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP 2020, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, इसका फॉर्मुलेशन हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, उसके अंदर आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फिर आती है ट्राई सर्विसेज। तो CDS के जो हेड है, टास्क बार इनको दिया गया है टास्क विद प्रमोटिंग इंडिजीनस इक्विपमेंट्स लाने हैं हमें, ये जो इम्पोर्ट है इसको कम करना है। देन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस CDS, देन एन अपॉर्चुन मोमेंट है COVID-19, बिकॉज एक क्राइसिस है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। हमने क्या किया, हमने कहा नोटिफाई लिस्ट ऑफ वेपन, एक लिस्ट बनाते हैं उसमें वो सारे वेपन्स के नाम होंगे जो हम डोमेस्टिक सोर्स करेंगे एंटायरली फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चर। ये लिस्ट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें नंबर ऑफ चीज़ें ऐड होंगी, स्लोली लिस्ट एक्सपैंड होगी, सेपरेट बजट प्रोविजन होगा, तो इस चीज़ से क्या होगा, एनकरेज होंगे लोकल मैन्युफैक्चरर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा होगा। अभी तक ये सब कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया में बनाते हैं काम, बट वो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए करते हैं, अब वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे गवर्नमेंट के लिए, बेनिफिट। जैसे इसमें मिसाइल सिस्टम है आकाश, नाग, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्मर्ड व्हीकल, इन सब का हम इंडिजीनसली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगा, ओवरहॉल होगा ट्रायल एंड टेस्टिंग, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मीनवाइल कॉरपोरेटाइज भी कर दिया है OFB को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक आपने पूछा था ऑर्डिनेंस होता है और एक होता है ऑर्डिनेंस, ओके, आई आ गया मतलब कि
प्रेसिडेंट उसको नियम कानून बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। और जब ORDNANC है मतलब ये आयुध आयुध निर्माण है, दिस हथियार एंड एवरीथिंग। सो लॉन्ग ओवर ड्यू रिफॉर्म है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी डिमांड हमें कैचअप करनी पड़ेगी, बेटर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी डिफेंस इको सिस्टम में, बिकॉज ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती, एक इको सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सो FDI का भी अभी हमने क्या चेंजेस किए हैं, 74% ऑटोमेटिक रूट में। ऑटोमेटिक का मतलब गवर्नमेंट परमिशन सेपरेटली रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिजिनाइजेशन का हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, थ्रस्ट टू टेक्नोलॉजी ओवर वैल्यू और वॉल्यूम होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें बिकॉज टेक्नोलॉजी में हम लैक करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स, इफ़ यू आर आस्क टू राइट ऑन दिस डिफेंस स्टेटस ऑफ इंडिया देन दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। रेडिकल्स रीसेट की ज़रूरत है, ओवरकम करना पड़ेगा रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज हम पसंद नहीं करते हैं तो रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करना पड़ेगा। की कंपोनेंट्स जो होंगे रिफॉर्म में वो पैसा बहुत ज़रूरी है, मेथड और माइंडसेट। माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल होता है, इट टेक्स अ क्राइसिस टू चेंज इट, क्राइसिस से सब डिस्टर्ब होता है और अब टाइम है कि हम एक प्रॉपर माइंडसेट से आगे बढ़े। सो अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल, राघवन साहब का आर्टिकल है, दिस इज़ गुड। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एन इकोनॉमी। साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी। आप भी देखना, जब आप हेल्दी फील कर रहे होते हो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर हेल्थ खराब है तो आपका काम बंद है, इनकम बंद है, एवरीथिंग क्लोज हो जाता है। सो हेल्थ रहना बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी रहना चाहिए। स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम इन अ कंट्री कैन लीड टू बेटर आउटकम ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। हेल्थ केयर एफिशिएंट और इक्विटेबल होना चाहिए, सबको बराबर पहुंच में होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंसेस जो हैं उसमें बूस्ट करने की बात है, 15th फाइनेंस कमीशन दिस आर्टिकल 280 ने एम्फेसाइज किया है। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज़ अ विनिंग बेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वंडरफुल लाइन, यूज इट, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज़ अ विनिंग बेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्दी इंडिया, विनिंग इंडिया। नाउ दिस इज थॉमस पिकेटी इंटरव्यू, ये इंटरव्यू है, इसमें ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बात किया एक नया टर्म पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म। ये क्या होता है, बेसिक आइडिया ऑफ दिस पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म, बिकॉज COVID-19 के बाद नेशनलिज्म इज़ ऑन राइज, सारी कंट्रीज बैरियर्स बना रही है, तो इसमें पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वो टर्म है, ये बताता है कि everyone has power to participate in the economy, इकोनॉमी में सोशलिज्म के टिंज है बट हर किसी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। everyone has the power to participate in the economy, इसके कुछ पॉइंट्स दिए इन्होंने, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये एक्सेसिबल होना चाहिए, सोशलिज्म नहीं मतलब उसमें गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, नो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो बट वो एक्सेसिबल हो। ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, टैक्सेशन मतलब जो जितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, बेचारा ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा है तो उस पर कम टैक्स लगाओ, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने 1000 सीट्स निकाली और सबको बोला कि लेट्स फाइट, सेम पेपर आ रहा है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, नो, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से है, उसको कोचिंग्स या फिर प्रॉपर एजुकेशन, बुक्स, एवरीथिंग फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली है, तो उसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, हॉलिस्टिक टर्म होता है ये। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी है, टेल द नेम ऑफ दैट आर्टिकल, जिसमें लिखा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, DPSP का एक आर्टिकल है 40s में, टेल, ये अमेंडमेंट के बाद आया था। इक्वल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, अवॉइड होना चाहिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और नेशनलिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो दीज आर अगेन वेरी गुड पॉइंट्स। ये जो इकोनॉमिस्ट भी होते हैं ना, ये बहुत इकोनॉमी जो होती है ना, इकोनॉमिस्ट का काम काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है बिकॉज उसका काम हर स्फीयर ऑफ लाइफ को टच करता है, तो दिस इज अगेन सम वेरी गुड पॉइंट्स। अब इससे पहले जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आया था NCERT में, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ब्रेटन वुड सिस्टम आया, ब्रेटन वुड के ट्विन्स आए, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये नियो लिबरलिज्म आया, बट इसमें फ्लॉ था, ये प्रेफर कर रहा था हैव्स को, हैव नॉट को प्रेफर नहीं कर रहा था, डेवलप्ड को प्रेफर कर रहा था, डेवलपिंग को नहीं कर रहा था, सो दैट इज़ वाई इसके आउटकम्स अच्छे नहीं आए यहाँ पे। देन दिस इज़ अबाउट अम्फन साइक्लोन, दिस इज़ रिवर्स स्वीप ऑन अ होम पिच, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर, दिस इज़ शो केस। नाउ दिस इज़ वर्ल्ड, वर्ल्ड में वैक्सीन विल बी फॉर ग्लोबल पब्लिक वर्ल्ड। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट वैक्सीनेशन क्या होता है, ये एक टेस्ट मैच है, प्री मैच है,
प्रिपेयर इम्यूनिटी सिस्टम हो रहा है, इंजेक्ट करेंगे वीकन वायरस लाइव या डीएक्टिवेटेड, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जब एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो बॉडी उसको प्रॉपरली डिफेंड कर लेगी। ब्राज़ील वर्स्ट हिट हुआ है इस वायरस में, अभी इसके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी जो हमको डर लग रहा है ना, वो यही लग रहा है विद इन अ वीक और टू हमारे नंबर बहुत, मतलब सब डरे हुए हैं अभी। देन दिस इज़ रशिया, दिस इज़ रिकॉर्ड हाई, रशिया के भी रिकॉर्ड हाई हो गए। इंडिया में केसेस सर्ज हो रहे हैं, 1 लाख क्रॉस हो गया, ये 1 to 2 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वी नीड टू बकल अप, इसमें हमें एफर्ट्स डालने चाहिए। वैक्सीनेशन मीनवाइल एक सॉल्यूशन है, इसको जल्दी से जल्दी बनाने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, मीनवाइल ये थ्रेट पोस्ड बाय चाइना, यूएसए ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, एल्स जो इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कन्फ्रंटेशन हो रहा है जिस चाइना के साथ, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अ रिमाइंडर ऑफ द थ्रेट पोस्ड बाय चाइना। बट अगेन इंडिया का पॉलिसी क्या रहता है कि ये मैटर है इंडिया और चाइना के बीच का, तो यूएस नहीं, हम इसको आपस में बायलेटरी सेटल करेंगे, बायलेटरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान का होता है, हम उसको बायलेटरल सॉल्व करेंगे, हमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए यहाँ। नाउ दिस इज इज़राइल एनेक्सेशन प्लान, यहाँ पे बात है दिस ओस्लो अकॉर्ड का। सी एक पहले यहाँ पे पलस्तीन एक बॉडी था यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे ज्यूज का हुआ, दिस अगेन जायन मूवमेंट हुआ, लॉन्ग स्टोरी। इसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसराइल का एरिया बढ़ने लग गया, पलस्तीन का कम हो रहा है, काफ़ी फाइट्स हुआ, फिर एक ओस्लो अकॉर्ड आया, पेयर ऑफ अग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इसराइल और पलस्तीन लिबरल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, PLO में। ओस्लो 1 वाशिंगटन में हुआ, पीस स्टोरेशन की बात थी। ओस्लो 2 इजिप्ट में साइन हुआ 1995 में। फिर ये हमने पढ़ा अभी कपल ऑफ डेज बैक, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन, ट्रंप का पीस प्लान। इसमें ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहूँगा, और कुछ उसने सॉल्यूशंस दिए, बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट ओवर करना है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज्यूश सेटलमेंट इन वेस्टर्न बैंक, लैंड स्वॉप होगा इसराइल पलस्तीन में। देन ये जो पूरा ट्रंप पीस प्लान था ये फेवर कर रहा था इसराइल को, और पलस्तीन थोड़ा डिसएडवांटेज में था। पलस्तीन देखें तो इस ओस्लो अकॉर्ड के बाद पलस्तीन को मिला वेस्ट बैंक, दिस इज़ वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक मतलब वेस्ट में नहीं है, वेस्ट बैंक है, जैसे ये वेस्ट होगा दिस इज़ ईस्ट होगा, तो ये जो एरिया है इसके ईस्ट में वेस्ट बैंक है, और जो गाजा स्ट्रिप है ये तुरंत मेडिटेरेनियन के पास में है। सो दिस इज़ गाजा स्ट्रिप और दिस इज़ वेस्ट बैंक, दिस इज़ वेस्ट बैंक, तो ये अभी पलस्तीन के पास में है। बट पलस्तीनियन स्टेट की बात नहीं थी ओस्लो अकॉर्ड में, ट्रंप पीस प्लान में ऐसा कुछ प्रोविजंस देंगे वहाँ पे। अगेन डेवलपिंग न्यूज़ है, विल अगेन गेट टू नो। ये जो एरिया है ये पूरा एरिया मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मेडिटेरेनियन के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ बिजनेस, बिजनेस में कैबिनेट अप्रूव किया 3 लाख करोड़ का फंडिंग फॉर MSME, 100% गारंटी कवरेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। ये 100% कोलेट्रल फ्री लोन्स की भी बात था, ये कवरेज देगा। इससे क्या होगा, अभी जो भारत था सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसमें दो चीज़ें हमने टेकल किया था, एक तो MSME को पैसे की कमी हो रही है तो वो प्रोवाइड करो, NBFCs के पास लिक्विडिटी की कमी हो रही है तो वो प्रोवाइड करो इन्हें। तो इसमें एलिजिबल MSMEs हैं उनको ये लोन मिलेगा, इंटरेस्टेड बोरोवर ऑफ द मुद्रा स्कीम जो है इसमें भी शिशु लोन एंड ऑल यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। टेन्योर ऑफ लोन क्या है, 4 साल है, मोरेटोरियम 1 साल का मिलेगा, मतलब सस्पेंशन, मतलब टोटल 5 ईयर्स हो सकता है। बैंकर्स जो है मीनवाइल वो अनइम्प्रेस्ड से, व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट ने डायरेक्ट गारंटी नहीं दिया, गवर्नमेंट ने बोला रिस्क अवर्स अभी भी रहेगा, बिकॉज अटैच रिस्क वेट हो जाएगा इसमें 20% का जो बैंक को बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्ट गारंटी नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ वाई बैंकर्स हैं वो इम्प्रेस्ड नहीं है, जो उनका NPA का जो डर रहता है बैंक्स को वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे। NBFCs मीनवाइल जो MSME को लिक्विडिटी दिया और NBFC को भी लिक्विडिटी प्लान ओके कर दिया गया है यहाँ पे कैबिनेट ने। नाउ दिस इज़ अबाउट अल्जाइमर डिसीज़, इसमें क्रोनिक न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ का एक फॉर्म है, यहाँ पे IIT गुवाहाटी ने कुछ फाइंडिंग्स किए हैं, यहाँ पे विल गेट टू नो। क्रोनिक न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ होती है, नो दिस डिसीज़, 60-70% इसमें डिमेंशिया होता है, मतलब भूल जाता है, क्या याद है, याद नहीं रहता है कुछ भी, डिफ़िकल्टी होती है इन रिमेंबरिंग रीसेंट इवेंट्स, लैंग्वेज भूल जाते हैं, बात शब्द याद नहीं आते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉडी का भूल जाते हैं, वो नहीं हो पाता है, और बिहेवियरल चेंजेस होता है। ऐसी जो डिसीजेज है वो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है ये पुअरली अंडरस्टूड है, क्लियर कट अभी हमें पता नहीं है। यूजुअली ये डिसीज़ होती है ओल्ड एज में, सो दैट इज़ वाई अभी COVID-19 के भी बैकड्रॉप में दिस इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्पेशली जो ओल्ड एज है इनका ज़्यादा ख्याल रखना है।
नीड केयर, केयर की ज़रूरत पड़ती है इन्हें, लव एंड अफेक्शन देना चाहिए, और सबसे जो प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में होती है वो होती है लोनलीनेस की प्रॉब्लम. सो यू नीड टू टॉक. सो इसका सॉल्यूशन ये है कि हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में अगर रहते हैं तो दैट इज़ गुड. सो दिस इज़ अवर अगेन वन थिंग. सो दिस इज़ अबाउट डिसीज, दिस इज़ टूडेज न्यूज़पेपर. नीड केयर, लव एंड अफेक्शन, टॉक टू एल्डरलीज. देन इसके बाद हमने पढ़ा दिस गवर्नमेंट ने बिजनेस में अप्रूवल दिया है MSME और NBFC. ओस्लो अकॉर्ड हमने एक लुक देखा, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन, ट्रम्प पीस प्लान भी, ये सारे मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द आना चाहिए. थॉमस पिकेटी का इंटरव्यू क्या इन्होंने, पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म, ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना नोटेड डाउन और यूज़ इट, पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म. देन यहाँ पे हमने देखा हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एन इकोनॉमी, साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी. दिस इज़ अबाउट द ग्रेस्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल, हमें सेल्फ रिलायंस डिफेंस में क्यों इतना ज़रूरी है. ये बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल था, चाइना बेटर प्रिपेयर्ड पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड की यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं कुछ. देन दिस इज़ अ होल इन द होल, दिस इज़ मेडिकल में. COVID-19 ही अकेली बीमारी नहीं है, बहुत सारी दूसरी हेल्थ केयर भी होती है, हमें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए. दिस इज़ अबाउट वर्किंग सेफली, ये हमने लेक्स के टाइप देखे, दीज आर ऑल टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन लेक फॉर्मेशन. लॉक्यूस्ट अटैक इंक्रीज़ हो रहा है, चाइना अक्यूजेज इंडिया ऑफ ट्रेसपास, नेपाल और इंडिया फ्रेंड्स हैं, ये हमें पीसफुली सॉल्व करना चाहिए ये इशू. देन दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑन May 25. ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अवर डिजास्टर प्रिपेयरनेस. डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, डिजास्टर्स के भी टाइप होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल है ना, और नेचुरल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैंड है, वाटर है, एयर है. सो डिजास्टर प्रिपेयरनेस क्यों ज़रूरी है, अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ दिस रैपिड क्लाइमेट चेंज. 100 वर्ड्स. देन दिस इज़ अबाउट अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल, दिस इज 21st of May, दिस इज 21st of May 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.